गांधी जी की जयंती है और आपने ये प्रोग्राम किया है अहिंसा के लिए, क्या मैसेज है? देखिए, आज भगवान महावीर जो कि अहिंसा के अग्रदूत, विश्व शांति के अग्रदूत, उनका 2622वां जन्म कल्याणक जन्म जयंती का महोत्सव का कार्यक्रम था, जिसको कि अहिंसा विश्व भारती संस्था ने विश्व शांति और सद्भावना दिवस के रूप में आयोजित किया और विषय था प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण में महावीर दर्शन का योगदान। और यहाँ पर विश्व की बड़ी शख्सियतें श्री श्री रविशंकर जी से लेके केरला और उत्तराखंड के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, रूपाला जी आदि आदि सभी उपस्थित हुए। मूल महावीर का जो दर्शन उन्होंने 2600 वर्ष पूर्व दिया था, अहिंसा का, अनेकांत का, अपरिग्रह का, वो तत्कालीन समय में जितना उपयोगी था उससे अधिक मौजूदा समय में वो प्रासंगिक हो गया है। और हम देख रहे हैं कि जब पूरे विश्व के अंदर जिस तरह से हिंसा और धार्मिक असहिष्णुता का माहौल है, उस माहौल में उनके अनेकांत दर्शन से, क्योंकि वो कहा करते थे कि पर्यावरण प्रदूषण से भी वैचारिक प्रदूषण अधिक खतरनाक है, तो आज अपेक्षा है वो अनेकांत का दर्शन जो कि हमारी भारत की बहुलतावादी संस्कृति को रेखांकित करता है, अनेकता में एकता की मौलिक विशेषता को, वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देता है। और इसीलिए आज ये यहाँ पर समारोह आयोजित हुआ। और ऐसे समय में जब हमारा भारत देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और कुछ राज्यों में, बिहार में, बंगाल में जिस तरह की हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं, तो अपेक्षा महसूस की गई कि वो बिहार महात्मा बुद्ध का, भगवान महावीर की स्थली है, वहाँ जाकर के और कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीसफुल डायलॉग के द्वारा, महावीर के उस दर्शन के द्वारा यूक्रेन और रशिया जैसी समस्या का समाधान भी हो सकता है, ये इस मंच से कहा गया। और उसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, क्लाइमेट चेंज के जो सामने एक चुनौती है, उस चुनौती को निपटने के लिए उन्होंने जो सर्वजीव निकाय का सिद्धांत दिया कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, इसका अनावश्यक उपयोग मत करो, भोग और उपभोग के सीमाकरण का भगवान महावीर ने संदेश दिया था, आज उस पर विचार मंथन हुआ है कि वो कैसे हमारी जीवन शैली बने। और आज कोरोना काल के बाद में पूरे विश्व में भारतीय जीवन शैली के प्रति, जैन जीवन शैली के प्रति, सनातन जीवन शैली के प्रति एक नया आकर्षण उत्पन्न हुआ है, उस पर बहुत काम करने की जरूरत है। और उसलिए एक मंच पर सभी आए और इसके बारे में चर्चा हुई। अहिंसा की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अभी रामनवमी को लेकर जो कम्युनल वायलेंस हुई है बंगाल में और बिहार में, उसको कैसे? नहीं, मैं इसीलिए इस मंच से भी मैंने कहा कि ये बड़ा दुखद है कि बिहार जो है भगवान महावीर की, भगवान बुद्ध की स्थली, तो वहाँ पर हिंसा की घटना होती है, वो शोभा नहीं देती है। हम सबको आत्मावलोकन करने की जरूरत है। रविंद्रनाथ टैगोर की जो भूमि है वो बंगाल के अंदर जब हिंसा होती है तो वो शोभा नहीं देती है। तो ऐसे के अंदर हम सभी सर्वधर्म के संत जो हैं इस बात के लिए प्रयास करने जा रहे हैं कि कैसे, जैसे पुलिस प्रशासन अपना काम करता है, फायर ब्रिगेड अपना काम करती है, संत सैनिक, शांति के सैनिक बनकर के उस आग को कैसे बुझाएं, लोगों में अगर कोई गलतफहमी है उसको कैसे खत्म करें, और अगर कोई आपस में बात भी है पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा, संवाद के द्वारा, वार्ता के द्वारा कैसे सुलझाएं, उसके लिए हम प्रयास करेंगे।